नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कर्मचारी हैं, देश के हैं, प्रदेश के हैं या फिर केंद्रीय पेंशनर हैं, तो आप समस्त लोग देखें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आम नागरिकों तक पहुंचाएं। कर्मचारी समाचार से बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है। राज्य सरकारों को RBI का परामर्श है, खुद पेंशन लेकर दूसरों को सलाह दे रहे हैं। यानी कि हम आपको बताएं, RBI ने भी बताया कि यह बहुत बड़ा घाटा हो सकता है सरकार के लिए, नुकसान होगा आगे देश को। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में कभी पुरानी पेंशन बंद नहीं हुई, तो क्या वह राज्य दिवालिया हो गया? आप देख सकते हैं, उस राज्य को उठा के अन्य राज्यों से तुलना कर लें आप। कर्जा किस राज्य पे ज़्यादा है? जिस राज्य में पेंशन नहीं है उस राज्य पे ज़्यादा कर्जा मिलेगा, जहाँ पेंशन मिली वहाँ नहीं है। और दूसरी बात, चलिए बंदे करना है तो फिर नेताओं की क्यों बंद नहीं कर रहा है? खुद पेंशन लेके दूसरों को भाषण दे रहे हैं कि ये घाटा हुआ, वो घाटा हुआ। अगर आप बंद करने का विचार भी कर रहे हैं कि नेताओं की बंद करना, तो बंद उसी समय से हो जब कर्मचारियों की बंद हुई थी 1 जनवरी 2004 जो भी है, वहाँ से बंद होना चाहिए। और जो नेताओं को मिल चुकी है उससे ब्याज सहित वसूल करना चाहिए, ताकि देश को बहुत बड़ा पैसा अमाउंट में मिल जाएगा और देश विकास करेगा। तो दोस्तों, इस पूरी खबर को जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं, हम आपको पूर्व गवर्नर जो थे RBI की, उनका भी बयान बताएंगे और अभी जो प्रेजेंट में उनका भी बता रहे हैं। तो चलिए पूरी खबर जान लेते हैं। दोस्तों, भारत में पुरानी पेंशन की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को इसके बारे में परामर्श जारी किया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी राज्य की वित्तीय व्यवस्था के लिए हानिकारक है। यदि कोई राज्य शासकीय कर्मचारियों को NPS बंद करके OPS दे रहा है, तो यह फैसला उस राज्य के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में पीछे ले जाने वाला होगा। ऐसे राज्य की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाएगी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मामले में वित्तीय विशेषज्ञों की राय। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी एवं वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ श्री रचित सोलंकी, सोमनाथ शर्मा, RK सिन्हा, SR बोरा और अत्री मुखर्जी ने एक शोध पत्र में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि NPS बंद करके यदि OPS को शुरू किया गया, तो इसका वित्तीय बोझ 4.5 गुना तक बढ़ सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में चुनाव के दौरान कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए पुरानी पेंशन की घोषणा की गई और सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन लागू करने के आदेश भी जारी हुए हैं। हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने NPS को बंद करके OPS शुरू की है। राज्य सरकारों को कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग नहीं माननी चाहिए, RBI। लेख में कहा गया कि OPS में परिभाषित लाभ DB है, जबकि NPS में परिभाषित अंशदान DC है। जहां OPS में अल्पकालिक आकर्षण है, वहीं मध्यम से दीर्घकालिक चुनौतियां भी हैं। राज्यों के पेंशन व्यय में अल्पकालिक कटौती OPS को बहाल करने के निर्णयों को प्रेरित कर सकती है। यह कटौती लंबे समय में भविष्य में गैर वित्त पोषित पेंशन देनदारियों में भारी वृद्धि से प्रभावित होगी। राज्यों के OPS पर वापस लौटने से वार्षिक पेंशन व्यय में 2040 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का सालाना सिर्फ 0.1% बचाएंगे, लेकिन इसके बाद उन्हें वार्षिक GDP में 0.5% के बराबर पेंशन पर अधिक खर्च करना होगा। यानी तात्कालिक रूप से NPS से OPS में स्विच करना सरकारों के लिए फायदेमंद होगा, परंतु यह डिसीजन 2040 के बाद सिरदर्द बन जाएगा। चलिए अब आपको RBI के पूर्व गवर्नर जो रघुराम राजन थे, उनकी जो टिप्पणियाँ वो और बताते हैं। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए, क्योंकि नई पेंशन योजना भ्रमित है और सेवानिवृत्ति के बाद कोई गारंटी नहीं देती है। रघुराम राजन, पूर्व गवर्नर, RBI।